नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर, देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम, एनडीए पर इंडिया भारी। बारिश में सब्जियों के दाम आसमान पर, गड़बड़ाया लोगों का बजट। और वडोदरा में लोकसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ियों की शिकायत, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा निर्णय। मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें एनडीए पर इंडिया फिर एक बार भारी पड़ गया है। इन सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आप डीएमके और निर्दलीय ने एक एक सीटें जीत ली है। इन 13 सीटों में भाजपा के पास 3 सीटें थी, कांग्रेस के पास 2, टीएमसी के पास 1, जेडीयू 1, आप 1, डीएमके 1, बीएसपी 1 और निर्दलीय के पास 3 सीटें थी। इस उपचुनाव में भाजपा 2, कांग्रेस 4, टीएमसी 4, जेडीयू 0, आप 1, डीएमके 1, बीएमसी 0, बीएसपी 0 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। यानी भाजपा को 1, उसकी सहयोगी जेडीयू को 1 सीट का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को 2 और टीएमसी को 3 सीटों का फायदा हुआ है। हिमाचल में भाजपा में शामिल हुए 3 में से 1 निर्दलीय ही चुनाव जीत पाए, 2 हार गए। पंजाब में भी आप से आए कैंडिडेट चुनाव हार गए। बारिश में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में घर चलाने वाली महिलाओं का बजट गड़बड़ा गया है। बारिश के चलते सब्जियों के दाम में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। टमाटर, आलू, प्याज जैसी बेसिक सब्जियां भी काफी महंगी है। अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी सब्जी 100 रुपए से कम बिक ही नहीं रही है। त्योहार नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी से नागरिकों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है। गुजरात के सूरत में भी सब्जियां महंगी होने से लोग परेशान हैं। ये सब्जी का भाव जो सरकार ने इतना जो गवर्नमेंट जो बढ़ा रही है या सरकार कुछ भी जो बढ़ा रही है, तो ये सब्जी जो बढ़ा रही है पब्लिक को कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है। इस महंगाई जमाने में पब्लिक कैसे क्या करेगी। हर चीज का भाव बढ़ रहा है, चलिए हर चीज का भाव बढ़ रहा है समझ में आया, मगर खाने पीने की चीज को जो आप इतना भाव बढ़ाएंगे तो पब्लिक तो फिर बहुत नॉर्मल जो पब्लिक है तो पब्लिक क्या करेगी। 14-15 हजार का नौकरी करके ये 100 रुपये किलो टमाटर खाएगी, 200 रुपये किलो लौकी है, 150 रुपये किलो इतनी सब्जी महंगा है। एक पालक जो हरी पत्ती है वो भी अभी 100 रुपये किलो बिक रही है। तो इसमें जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोग से या सरकार को जो भी है, कृपया इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो बहुत आम जनता को तकलीफ हो रहा है। और बाकी आगे से हम आप लोग से क्या करें, हम तो इतना ही कहेंगे कि भाव कम करिए, जान करके लोअर स्टाफ को जो स्टाफ लोग जो हैं उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि कमाने खाने वाले आदमी कहाँ से क्या करेंगे। 14-15 हजार का नौकरी करके पहले आपको जो बजट होता था, अभी बजट में क्या क्या हो रहा है। पहले की बजट थी जो 2000 मतलब कि 2023 में जो बजट थी उससे ज़्यादा बहुत काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि पब्लिक हर चीज़ से परेशान हो रहे हैं। अब एक छोटी सी सब्जी को लेकर देख लीजिए, एक छोटी सी मोबाइल को लेकर देख लीजिए, जियो वाले ने, एयरटेल वाले ने, वोडा वाले ने इतना महंगाई बढ़ा दिया है कि आम आदमी, गरीब आदमी जो है, लेबर क्लास के आदमी जो है, वो आदमी क्या करेंगे। फिर तो लास्ट में ये होगा कि रोड पे हंगामा करेंगे, लूटमार करेंगे, तो फिर सरकार बोलेगी कि चोर है चपेटा दुनिया है। जब आप मजबूर कर रहे हो उसको चोरी करने पे या लूटमार करने पे, तभी वो कर रहा है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 14-15 हजार में, क्या फैमिली को खिलाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा या खुद को खाने पीने का व्यवस्था करेगा, गरीब को तो इसी में देखना है। गुजरात के वडोदरा में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ियां हुई होने की आशंका लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी राहुल व्यास ने जताई है, जिस पर गुजरात हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। राहुल जी, लोकसभा चुनाव को लेकर आपने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, क्या थी वो याचिका और क्या उस पर आदेश दिए गए। मैंने बड़ौदा का इलेक्शन कैंसिल करने के लिए इलेक्शन पिटीशन गुजरात हाईकोर्ट में डाली थी। पिटीशन डालने का रीजन ये था कि इस इलेक्शन में सालों से गड़बड़ियां हो रही है, वो गड़बड़ियां मुझे दिखी
उसी को ग्राउंड बना के मैंने गुजरात हाईकोर्ट, माननीय गुजरात हाईकोर्ट को अप्रोच किया था। 2 तारीख को मेरा पिटीशन एक्सेप्ट किया गया, 5 तारीख को हियरिंग हुआ, डेट आया 12 तारीख को, फाइनल ऑर्डर जो भी आया है उसके हिसाब से अब हर एक ओपोनेंट पार्टी को, यानी जिस जिसको मैंने मेरा इश्यू बनाने वाले लोग देखे हैं, बीजेपी का कैंडिडेट, रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को ये नोटिस मिलेगा। ये ऑर्डर गुजरात हाईकोर्ट ने कल दे दिया है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ियां हुई है या कुछ अनियमितता, कैसी अनियमितता पर आपने कोर्ट को अवगत कराया है? सी, पहले तो जो रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट है उनके नाम को लेकर ही डिस्प्यूट था, उनके एफिडेविट को लेकर डिस्प्यूट था। उसके अलावा लास्ट अगर 4 इलेक्शन का मैंने जो डेटा देखा, ये सबसे बड़ी बात है, लास्ट 4 इलेक्शन से 2014 में बीजेपी के कैंडिडेट को 72% वोट मिला, जब बड़ौदा के 71% लोगों ने वोट दिया था। यानी उस टाइम पे पॉपुलर नेता मोदी जी थे, तो हमें लगता है कि 71% में से वो 71% का 72% बीजेपी को मिल सकता है। उसके बाद बाईपोल हुआ, जो बाईपोल के अंदर अगेन वोटिंग परसेंटेज 71 से सीधा 47 हुआ, 47 के अंदर भी 72% बीजेपी को मिला था, ये भी कम नहीं है। उसके बाद 3rd इलेक्शन आया जहां इलेक्शन का वोटिंग परसेंटेज 68 है, बट बीजेपी के कैंडिडेट को फिर से 72 आया, यानी 3 इलेक्शन से कंसिस्टेंट 72 मुझे लगा शायद हो सकता है, लोग यहाँ ब्लाइंड है तो ये पॉसिबल है। बट अगर 2024 का इलेक्शन देखो ना, तो उसमें भी 61% में से 72% बीजेपी के कैंडिडेट को मिला है। और अगर आप बीजेपी, कांग्रेस और नोटा का टोटल चारों इलेक्शन का करेंगे तो आप सरप्राइज होंगे, 98% वोट खाली इन 3 लोगों को मिलता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि अगर 2014 में 8 लोग थे प्लस नोटा, उसमें भी 2% अदर्स, 2014 के बाईपोल में 4 लोग थे नोटा के साथ, उसमें भी 2 बंदों को 2%, उसके बाद 14 लोग हुए प्लस नोटा, वहां भी आप 2% बीजेपी कांग्रेस के अलावा लोगों को मिलते हैं, और इस इलेक्शन में भी 2% 14 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और अगर आप 2019 और 24 में देखोगे तो रिजल्ट ऑलमोस्ट डिटो कॉपी पेस्ट है, आपको 0.0% के आसपास का आपको डिफरेंस दिखेगा, नाम में डिफरेंस है, बाकी परसेंटेज में कोई डिफरेंस ना होना। एक शंका मेरे दिल में आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ौदा में 5 साल से लोग चेंज हो रहे हैं, कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं, हर कोई अपना पैसा मेहनत डालने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी को 1% भी वोट नहीं मिल रहा, वो थोड़ा अजीब लग रहा है ना। आप खुद सोचो कि लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मीडिया इतना बोल रहा है, तब भी बीजेपी के लोगों को 6-6 लाख वोटों से जीतना थोड़ा डिस्प्यूटेड लगा। इसीलिए सारे तथ्यों को लेके माननीय गुजरात हाईकोर्ट को मैंने खुद अप्रोच किया, मुझे ऐसा लगा था ये काम मेरा नहीं है। बट अगर हम नेशनल पार्टी की बात करें तो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या सेटिंग है कि वो कभी भी इलेक्शन कमिश्नर जो भी करता है उसको आंखें बंद करके एक्सेप्ट करते हैं। आपको लगता है ये जो इलेक्शन है वो कैंसिल हो सकता है, लोकसभा चुनाव 2024? यस, बड़ौदा के लिए तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ बहुत इरेगुलरिटी इंग्लिश में बोले तो है, और उसी को लेके मैंने इलेक्शन कमिश्नर को ऑलमोस्ट 5 ईमेल से ज्यादा किए, 1 भी ईमेल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। और मुझे लगता है इलेक्शन कमिश्नर खाली आपकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को तो ये कचरा समझ रहे हो ना, ऐसा मुझे दिख रहा है। गुजरात के वडोदरा की बड़ौदा डेयरी के डायरेक्टर कुलदीप सिंह राहुल जी के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला देसर पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। देसर सांवली मार्ग पर कुलदीप सिंह राहुल जी का विश्वा नामक CNG पेट्रोल पंप है, जहां 60 लाख रुपए का हिसाब नहीं मिलने से पेट्रोल पंप के मैनेजर समेत के 5 कर्मचारियों को अवैध रूप से अपने ऑफिस में 4 घंटे बंद रखकर कुलदीप सिंह राहुल जी ने उन्हें जान से मारने की कथित धमकी दी है। इस मामले 60 लाख रुपए नहीं देने पर जमीन हड़पने की कथित धमकी भी कुलदीप सिंह राहुल जी ने दी है, जिससे डरे हुए पेट्रोल पंप के मैनेजर ने देसर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। जी हाँ, बनाव बनो कुलदीप सिंह राहुल जी है,
એ વિરલભાઈ મારા જે હસબન્ડ છે એમને છેલ્લા બે મહિનાથી ખૂબ જ ટોર્ચર કરે છે, અને કાલના ગઈકાલના દિવસે એમને દવા પીવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો હતો, પણ ગામના લોકો બધા ભેગા થઈને પછી એમને કીધું કે કશું થાય નહીં, અને જ્યાં જો પૈસા 59 લાખ નહીં ચૂકવે તો અમારી જમીન પણ જે 2 વીઘા છે એ મને લખ્યાવો દસ્તાવેજ કરીને. આવી ધમકીઓ અમને ખૂબ જ આવે છે, અને 1.5 મહિનાથી અમને એટલું બધું ટોર્ચર કરે છે કે એના પપ્પા ખૂબ જ ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા છે. એમના હિસાબ જે નથી મળતો એમનો આરોપ એમના પર આક્ષેપ લગાયો છે, 59 લાખનો આક્ષેપ લગાયો છે અમારા ઉપર. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कुलदीप सिंह राहुल जी चुनाव भी लड़े थे, और चुनाव हार जाने के बाद वह फिर से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं. करबला शरीफ की जंग को सदियों बीत गए हैं, लेकिन आज भी समूचे विश्व में मुस्लिम समुदाय के लोग हर वर्ष पारंपरिक रूप से इस दिवस को याद करते हैं. मुहर्रम महीने के पहले दिवस पर हजरत इमाम हुसैन समेत के करबला के शहीदों की याद में ताजिया की स्थापना की जाती है, जिसके तहत वडोदरा में भी जगह जगह ताजिया की स्थापना की गई है. इस वर्ष 17 जुलाई को असुरा यानी ताजिया विसर्जन किया जाएगा, जिसकी तैयारी के भाग रूप वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार, 4 जोन के DCP, क्राइम ब्रांच के DCP समेत के आला पुलिस अधिकारियों ने सरसिया ताला पहुंचकर विसर्जन की व्यवस्था का जायजा लिया. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR Signature fans, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. लोगों के घर में चोरी करने वाले चोरों को पुलिस पकड़ती है, लेकिन अब चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस चौकी में भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं. दाहोद की लीमखेड़ा आउटपोस्ट पुलिस चौकी में 3 चोरों ने पुलिस कांस्टेबल के पर्स से 2600 रुपए की चोरी कर ली. चोरी करने वाले 3 युवकों ने घटना की रील भी बनाई और सोशल मीडिया में वायरल भी कर दी. इन 3 युवकों ने आउटपोस्ट के लॉकअप में घुसकर रील बनाई जो सोशल मीडिया में भी वायरल हुई. अब आप सोचेंगे कि यह कैसे संभव है. दरअसल आउटपोस्ट के कांस्टेबल पुलिस चौकी को लॉक कर
जांच के लिए लीमखेड़ा गए हुए थे। उस दौरान तीन चोरों ने पुलिस थाने में घुसकर पुलिस का पर्स चुरा कर लॉकअप में घुसकर रील भी बनाई और सोशल मीडिया में वायरल भी कर दी। वैसे बाद में इस रील के आधार पर ही आरोपियों को पकड़ लिया गया। संजय भाई मोती भाई ना पाकिट तेमज तेमा पड़ेल आशरे 2600 रुपया जेटला नी चोरी करी तेवो तेमने रील बनावी निकली गए। जे बाबते पुलिस स्टेशन ना पीआई श्री जेएम खाट तेमज एलसीबी नी टीम आ तपास में जोड़ाता अने ह्यूमन रिसोर्सिस तेमज टेक्निकल इंटेलिजेंस ना आधारे आ त्रणे ईसमो मांथी एक नवसाद रजब भाई शेख रहे दाहोद अयाज मोहम्मद रिजा मोहम्मद मकरानी उमर सरदार रहे दाहोद मुल्लावाड़ा तड़ावनी सामे तेमज बादल भाई हसमुख भाई रावण रहे दाहोद वाड़ा उवानो जणाता अने आ गुनामां दहेज आशरे 2680 रूपया तेमज त्रण मोबाइल अने गुनामांथी वापरेल जे हथियार हतुं ते रिकवर करवामां आवेल छे अने आ कामे त्रणेय तमतदारोने आज रोज नामदार कोर्टमां रजू करता नामदार कोर्टे सोमवार सुधीना रिमांड आपेल छे। गुजरात के वडोदरा में पिता की उम्र के व्यक्ति द्वारा 21 वर्षीय युवती पर दुष्कर्म की शिकायत भायली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। जय ठक्कर नामक शख्स ने लोन देने के नाम पर लड़की के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। जय ठक्कर के साथ मुलाकात के बाद पीड़िता उसके साथ उदयपुर भी गई थी और एक रात शराब पीने के बाद लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, ऐसे शिकायत दर्ज कराई गई है। मैं बाहर से फाइनेंस की फील्ड में काम देती थी आरोपी जय ठक्कर को, और उसमें ऐसा था कि उन्होंने फिर मुझे ऑफ़र किया था कि हमारे यहाँ पे आ जाओ, ज़्यादा हो जाएगा बेनिफिट ये वो, तो उसके हिसाब से मैं उनको केसेस वगैरह देती थी। हमारा ये लेन देन पिछले साल से ही चालू था, उसके बाद मैं अक्टूबर महीने में अक्टूबर नवंबर में बड़ोड़ा आ गई थी काम काज के सिलसिले में। फिर कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई नवंबर महीने में कि मेरे सर ही मेरे साथ कुछ फिजिकल होने लगे ये वो, फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है, मेरा मिसयूज़ किया गया है पैसों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। उसके बाद उस चीज़ से मैं तंग आ गई थी, उस चीज़ को मैंने बहुत चलाया बहुत चलाया। फिर उन्होंने मुझे उनके फ्रेंड का एक घर दिलाया जो मैंने ख़रीदा हुआ है वेचान करार पे, तो उसमें ऐसा था कि वो वहाँ पे आते थे, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था वो कर रहे थे, और फिर कुछ पैसों की चीज़ों में जब मैंने मांगे उनसे मैं कैंसिल चेक मांगे तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, और मारने में मेरे से वो सहन नहीं हुई चीज़ें, तो मैंने 100 नंबर डायल किया था पुलिस केस करने के लिए। तो हम लोग फिर यहाँ पे आए और केस करने के लिए, तो पुलिस वालों ने मेरा केस नहीं लिया ये बोल के कि आपके हमारे उसमें नहीं लगता है, हम नहीं कुछ कर सकते, आपका पर्सनल मैटर है, हमसे पूछ के पैसे दिए थे, हमसे पूछ के बातचीत में थे, अब कैसे बिना जाने पैसे दे रहे हो ये वो सब चीज़ें, और सब चीज़ें मुझ पे ही डालने लगे, क्योंकि मुझे पता नहीं था जब मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी कि वो मैरिड है, उसके बाद से मुझे पता चली थी, तो वो लोग मुझ पे डाल रहे थे कि मैंने उनको मतलब उनको फंसाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ ये वो, तो मुझसे वो चीज़ सहन नहीं हुई। इन्होंने मेरी कंप्लेंट नहीं ली, सामने तालाब में मैं कूदने के लिए चली गई, मैंने सुसाइड अटैम्प्ट किया, तो लोगों ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला बचाया, और लोगों ने मुझे वापस आई पुलिस स्टेशन में दे दिया, और कुछ लोगों ने मीडिया में ये डिटेल डाल दी, तो उस हिसाब से फिर उन लोगों ने मेरी कंप्लेंट ली, बट कैसे ली, ओनली मारा मारी की, और मेरे कुछ पैसे लिए हैं उन्होंने उसकी जो मेरे साथ पूरा बना हुआ, वो सुनना भी नहीं चाहते, वो हमेशा यही बोलते कि मैडम हम क्यों सुने, आपने हमको बोल के थोड़ी किया था, इधर यही सुनने में आता है कि मैडम हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बात में। मैंने फिर हमारे लॉयर जो है शाह सर, उनको मैंने ये सब बातें बताई, उनको मैंने कांटेक्ट करा, तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं आपको टाइप करके दे देता हूँ, आप ये लेके जाके उनको दो, उनको लेनी ही पड़ेगी, तो लेने गई मैं, तो मुझे पता था, तो मैंने उस सर की रिकॉर्डिंग करी, वो सर ने पता नहीं क्या
तो उन्होंने मना कर दिया, बोलते हैं हमारे यहाँ का बना भी नहीं है, अगर जो चीज़ें हुई है वो स्टार्टिंग हुई है उदयपुर में तो हम यहाँ से वहाँ पे केस ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे हम ऐसा करने वाले कि जैसा उसने बताया कि वो 5 तारीख को जो बना हुआ था वो पुलिस स्टेशन आई थी खुद से, उस टाइम में नहीं था, लेकिन यहाँ से फरियाद नहीं ली इसलिए उसने सुसाइड का ट्राई किया, फिर पुलिस वाले ही उसको वहाँ से निकाल के लेके आए और अर्जी ली, जो आरोपी उसकी अर्जी ली, उसके खिलाफ अर्जी ली उन्होंने, और फिर उसको एक रात रख के फिर छोड़ दिया उसने। और जानने को ऐसा भी मिला है कि वो यहाँ पार्टी भी हुई थी, आरोपी को खाना भी अच्छा पिरसा गया था, कोल्ड कोको भी मंगवाया गया था और उनको यहाँ से छोड़ दिया, और वो FIR की ही नहीं, उन्होंने सिर्फ अर्जी ली थी। उसके बाद लड़की मेरी ऑफिस आई, NGO के थ्रू आई, मैं NGO का मतलब लीगल एडवाइज़र हूँ, तो ये केस मेरे पास आया, फिर मैंने अर्जी यहाँ उसको ड्राफ्ट करके दी, ये अर्जी मैंने उस ड्राफ्ट करके दी। ये लड़की 2 दिन पहले इधर आई थी तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये अर्जी हम नहीं ले सकते, वो क्यों कारण है वो पुलिस ही बता सकती है, हमको पता भी नहीं है कि ये अर्जी क्यों नहीं ले रहे, इसलिए हम आज फिर से अर्जी यहाँ देने आए। उसमें ऐसा है कि लड़की का वो लड़के ने विश्वास में ले लिया कि मैं तेरे साथ शादी करूँगा, और फिर अभी उसने बोला कि आप मेरे से कब शादी करोगे, तो उसने ऐसा बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता, और उसका यूज़ करके उसको छोड़ दिया, और लड़की से 7 लाख रुपए भी लिए, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, चैट्स की सब कॉपी है हमारे साथ, हमारे पास सब है। हम दोनों करवाने वाले, क्योंकि उसने फर्स्ट तो उदयपुर लेके गया था, तो उदयपुर उसने ड्रिंक करके लड़की के साथ गलत काम किया था, उसके बाद वो भरूच भी लेके गया है, सूरत भी लेके गया है, अंकलेश्वर लेके गया है, इवन बड़ोड़ा में भी लेके गया है, और अभी लड़की जहाँ पे रह रही है वो फ्लैट खुद आरोपी ने दिलवाया है, उसके फ्रेंड का है, और लास्ट 2 मंथ से भैली में वो खुद वहाँ जाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बांधता था। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका और IOCL के बीच ट्रीटेड वेस्ट वाटर सप्लाई मामले करार किया गया है। इस करार का 10 करोड़ 23 लाख का पहला चेक मेयर पिंकी सोनी को IOCL द्वारा दिया गया है। वडोदरा महानगर पालिका के साथ मिलकर IOCL द्वारा 40 MLD ट्रीटेड वाटर सप्लाई पर करार किया गया है। इस मुद्दे आयोजित बैठक में प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई, जिस पर IOCL के MD राहुल प्रशांत ने जानकारी दी। आज BMC और इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी के बीच में जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसमें हम लोग ट्रीटेड वाटर प्रोग्रेसिवली देंगे 40 MLD तक। ये एक बहुत बड़ा एक कदम है फ्रेश वाटर रिडक्शन में। इंडियन ऑयल हमेशा इस बात के लिए प्रतिबद्ध रही है कि अपना वाटर फुटप्रिंट को कम करें, ताकि आने वाले जनरेशन में फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहे। हमने इंडस्ट्रीज़ में ये ट्रीटेड वाटर हम लोग यूज़ करेंगे 20 MLD, और प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे आगे भी हमारे प्लांट आते जाएंगे 40 MLD तक हम लोग उसमें लेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और मैं VMC का भी बहुत आभारी हूँ। गुजरात के वडोदरा में वैक्समा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा HP मल्टी जेट फंक्शन फ्यूजन 3D प्रिंटिंग मशीन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मशीन के अनावरण के साथ साथ लाइव डेमोस्ट्रेशन भी दिखाया गया, जिसमें कंपनी के पदाधिकारी और APJ के गो टू मार्केट हेड ऑफ 3D प्रिंट डेनियल थॉम्सन और ROA के बिजनेस हेड रजत मेहता विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने मशीन की कार्यशैली से सभी को अवगत करवाया। So today we're at Vexma, and Vexma has been in product development and 3D printing for about 10 years. As I said before, they've been in product development and 3D printing, like we have behind us here, the multi-jet fusion machine from HP. 3D printing has been predominantly focused on prototyping and development of products. But now with HP, we're focusing 3D printing on bringing it to production. So Vexma now, in the state of Gujarat, has got a machine serving local industries. Industries could be from electrical companies, from automotive companies, from a very, very vast range of industries. But now Vexma has got a technology where they can bridge the gap between volume production and prototyping. So as I said before, we have the HP 3D printer here,
which is aimed at production 3D printing. Printing in scale, growing from a prototype into something that can be used in industry as a final product. इस 3D प्रिंट मशीन से अलग अलग फंक्शन को अंजाम देने की बात कंपनी के CEO सौरेन पटेल ने कही है। ये जो मशीन हमने लिया है, ये मशीन एक्चुअली 3D प्रिंटिंग मशीन है, बट 3D प्रिंटिंग अगर आप सोचते हो तो आप समझोगे कि एक सैंपल, दो सैंपल या ऐसे सैंपल्स बनाए जाते हैं इधर प्लास्टिक और मेटल में। ये मशीन को लेके हमने जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाई है, तो एक पार्ट से लेके अपन हजारों पार्ट विद वेरी शॉर्ट टाइम ये मशीन में हम प्रिंट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और इसमें वैरायटी ऑफ मटेरियल्स है, जैसे नायलोन है, ABS है, प्लास्टिक, जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्लास्टिक जिसको बोला जाता है, वो प्लास्टिक प्रोडक्शन इस मशीन से हो सकता है जिसमें डाई और मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस हमें डिज़ाइन दीजिए और हम आपको डिज़ाइन में असिस्टेंस भी देंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी करके देंगे। ये हमारी कैपेसिटी है और ये मशीन ये काम करती है। ये मशीन हमने जो फैसिलिटी में अभी इनॉग्रेशन जिसका किया, ये मशीन आया है, ये HP की कंपनी है, तो HP इज़ अ ग्लोबल कंपनी। आपने लैपटॉप सुने होंगे, HP के प्रिंटर सुने होंगे। HP का खुद का जो 3D प्रिंटिंग बिजनेस है वो $2 बिलियन का है, और HP की ये जो मशीन आती है तकरीबन 5 करोड़ प्लस की ये मशीन है और इसका सेटअप है। गुजरात में पुलिस वैन में बैठकर शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर महसाणा DYSP द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। प्राथमिक जांच में यह वीडियो 2.5-3 साल पुराना होने की बात सामने आई है। एक जूनो वीडियो वायरल थयेलो छे, जेनी अंदर एक आरोपी छे के जेवो जे ते समय सांतल पोलीस स्टेशन ना पण अलग 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 गुनाओनी अंदर एमनी धरपकड़ थयेली छे, तेओनो आ वीडियो छे। अने प्राथमिक एवं जाणवा मळ्युं छे कि सांथल पोलीस स्टेशन विस्तारनी अंदर क्यांक आ वीडियो बनावामां आवेलो होवानो अने लगभग 2-3 वर्ष पहेला बनावेल होवानुं प्राथमिक माहिती मळी छे, जे અનુસંધાને અમને પ્રાથમિક તપાસ કરવાનું જણાવવામાં આવતા બીજી તપાસ એની હાથ ધરવામાં આવેલી છે। મૂળ કટોસણના આરોપી છે, જેના વિરુદ્ધ અનેક ગુના દાખલ થયેલા છે। હાલમાં આરોપી છે એ દેત્રોજના એક હત્યાના ગુનાની અંદર એને ધરપકડ કરી અને અત્યારે કસ્ટડીની અંદર જેલમાં રાખવામાં, સેન્ટ્રલ જેલમાં રાખવામાં આવેલ છે। વિડીયો ક્યાંનો છે, કેટલો જૂનો છે અને એની બનાવવા પાછળ પોલીસની સંડોવણી, પોલીસની બેદરકારી કેટલી છે તે બાબતે પ્રાથમિક પૂરી તપાસ થયા બાદ જ કંઈક કહી શકાશે કે આમાં આગળ શું કાર્યવાહી કરશે। હા, જો પોલીસની બેદરકારી કે નિષ્કાળજી ડાયરેક્ટ કોઈ સંડોવણી ધ્યાનમાં આવશે તો ચોક્કસપણે જે પ્રોસિજરલ જે કાયદાથી જે પગલાં લેવાના છે તે લેવાના। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। हमें लड़की पसंद है, कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व ब्लेड्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात।
वेलकम टू कोर्टयार्ड पैलेडियम 3BHK लार्ज साइज अपार्टमेंट्स या तुमने मर्शे ग्रैंड लिविंग रूम विद एन अमेजिंग व्यू साथ एक कंफर्टेबल डाइनिंग एरिया अ परफेक्ट किचन फॉर योर परफेक्ट फैमिली नाउ 3 bedrooms लो पहलो बेडरूम विद एन अमेजिंग बालकनी व्यू साथ द सेकंड बेडरूम विच इज वेरी कंफर्टेबल वेरी कोजी एंड हैज एम्पल ऑफ सनलाइट And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best vada apartments ni ese ka ya tumne mara che walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा के गोत्री इलाके में बीती रात बरसी भारी बारिश के चलते एक बड़ा सा पेड़ धराशायी हो गया। गोत्री उषा नगर निकट बड़ा सा पेड़ धराशायी होने से 2 रिक्शाओं को नुकसान पहुंचा है। यह पेड़ वहां से गुजर रही रिक्शाओं पर गिरा। इस रिक्शा में 5 यात्री भी सवार थे जो बाल बाल बच गए हैं। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने रिक्शा पर गिरे हुए पेड़ को हटाने की कवायद की। मॉनसून की शुरुआत से ही लगातार पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में कॉरपोरेशन को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए, ऐसी मांग वडोदरा के लोगों द्वारा की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में स्वाद के शौकीनों ने पानीपुरी डे को बड़े उत्साह के साथ मनाया। 12 जुलाई को देश विदेश में पानीपुरी डे मनाया जाता है। कल गूगल द्वारा भी पानीपुरी का डूडल रखा गया था। इस खास दिवस पर वडोदरा में भी जगह जगह पानीपुरी के शौकीन पानीपुरी खाते हुए देखे गए। वैसे पानीपुरी के ठेलों पर हमेशा ही लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन पानीपुरी दिन को उत्साह के साथ मनाने के लिए कारेलीबाग में हैप्पी पानीपुरी की गूंज के साथ लोगों ने चटपटी पानीपुरी खाने का खूब आनंद लिया। पानीपुरी एक तो इजीली अवेलेबल हो, कहीं भी मूड खराब हो तो चलो पानीपुरी खाई ले, कहीं भी हो तो पानीपुरी खावा मन थी जाए। कारण एक एवं फूड है कि जो गमे एटलू खाए तो भी पेट नहीं धरात, कहवाई ने हैप्पी हॉर्मोन रिलीज करे। पानीपुरी चटाकेदार हो અને જેવું મોમાં મૂકે વોટર બોલ્સ એટલે મોમાં એકદમ બ્લાસ્ટ કરે છે અને ચટાકેદાર ટેસ્ટના લીધે મને પાણીપુરી ભાવે છે। પાણીપુરીમાં એક તો 2 વસ્તુ છે, એનાથી બ્યુટી બી સુધરે છે અંદર। પાણીપુરીમાં પુદીનો હોય છે, લીંબુ હોય છે, તે ડિટોક્સનું કામ કરે છે એટલે સ્કિન બી સારી થાય છે, પેટ બી ભરાય છે અને ગમે બી છે ખાવા। પણ મારી પાસે જે વાંચેલું એક પુસ્તકમાં ધ્યાન છે કે રમૂજ રમૂજમાં થયું કે કેમ થયું ખ્યાલ નથી, પણ દ્રૌપદીજીને એમની કુંતી માતાએ એવું કીધું હતું કે આજે પહેલી વખત તું મારા બાળકોને એટલે 5 પાંડવોને કંઈક બનાવીને તારા હાથે ખવડાવ। વનવાસ દરમિયાનનો મારું માનું જ આ સમય હશે એટલે દ્રૌપદીજી ગયા રસોડામાં એમના, અને જે એક રાણીને શોભે તો એ રીતે એમણે જે પૂરી બનતી હશે એ મોટી પૂરી બનાવવાને બદલે નાની પૂરી બનાવી અને વ્યવસ્થિત રીતે એને ફુલાવી તળીને અને એની અંદર જે હાથ વગા કાચા શાક હશે એ મૂકી અને હાથ વગું જે કંઈક બીજું રસ રસો કહો કે ચટણી કહો સમથિંગ આપણે ગ્રેવી કહીએ એને દેશી ભાષામાં, આવું કંઈક પૂરી અને એમણે બહુ સારી રીતે એને પ્રેઝન્ટ કર્યું અને ખાધા પછી જે આગળ દીકરી બોલી એક આ મોમાં બ્લાસ્ટ થાય છે એવો થયો જ હશે એવું માની લઉં છું, અને બ્લાસ્ટને લીધે છે એક એક શું કહેવાય સોડમ છૂટી હશે મોમાં
અને એને લીધે કદાચ એ ત્યાંથી આ પ્રખ્યાત થઈ છે। गुजरात के भुज के सुमसासर शेख गांव में दूध उत्पादक मंडली द्वारा अंतिम दाम में बदलाव किया गया है। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही इस मौके पर 251 बोरवेल और कुओं को रिचार्ज करने के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर दूध सहकारी मंडली को 59 लाख का चेक सौंपा गया। समाज के नव निर्माण ट्रस्ट द्वारा इस मौके पर सुमसासर शेख की प्राथमिक स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ रहे 128 छात्रों को शैक्षिक किट का वितरण किया गया, जिसमें गुजरात प्रदेश भाजपा के महामंत्री और कच्छ सांसद विनोद चावड़ा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। 23-24 नो जे भाव फेरो है अमूल फेडरेशन द्वारा ने कच्छ जिला दूध उत्पादक संघ सरहद डेरी द्वारा जे जाहिर करवामां आवे छे एनु भाव फेरनु वितरण करवामां आव्युं हतुं। जे 59 लाख रुपया थी उपरनी जे भाव फेर हतो ए तमाम 329 ग्राहकों ने आजे चूकवामां आव्यो। एनी अंदर उपस्थित गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महामंत्री और कच्छना सतत त्रीजी वक्त चूंटाला लोकप्रिय सांसद और जनकसिंह जाडेजा पण उपस्थित रहा था। एम अपनी वे जे सौथी वधारे दूध भरावेल हतो एवा पशुपालकों पण सम्मान करेल हतो। पछी जे गुजरात सरकार द्वारा जे बीजदान करवामां आवे छे जे सारी नसल आवनारा टाइम में जे सारी नसल थाय एना माटे जे सरकारश्रीनी जे योजना छे એ બીજદાનના કર્મચારીઓનો પણ સન્માન કરવામાં આવ્યો હતો। અને બીજી વાત એ કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે આપણા ઘણા ફેટ ઓછા આપી હોય ભેંસ, પણ ભેંસ સારી હોય તો સૌથી વધારે બીજદાન કરાવે ભેંસોનું અને ગાયોનું, એવી પણ મારી એક અપીલ છે। અને સૌથી વધારે આજે સતત 5મું વર્ષ છે જે 900થી ઉપર દૂધ સહકારી મંડળીઓ છે, સતત 5મું વર્ષ છે આજે શ્રી સુમરાસર શેખ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી છે એ પહેલા નંબર ઉપર આવે છે 900 દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીમાં। એમાં પણ માનનીય વિનોદભાઈ ચાવડા સાહેબે શુભેચ્છા આપી હતી શ્રી સુમરાસર શેખ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીની અંદર। દર વર્ષે બોનસ વિતરણનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે, આ વર્ષે પણ કરવામાં આવ્યો હતો। આખા કચ્છ જિલ્લાની અંદર સૌથી મોટી મંડળી છે, સૌથી વધારે દૂધ ભરાવતી મંડળી છે, સૌથી વધારે બોનસ મેળવનાર મંડળી છે। આદરણીય શ્રી ધીરમભાઈ આહીર એમના સંચાલક છે અને સૌ પશુપાલકો અને માલધારીઓ સાથે મળી કરીને ખૂબ સુંદર અને સરસ રીતે ચલાવે છે, જેનું પરિણામ આજે કચ્છની અંદર મળ્યું છે। અત્યાર સુધી માત્ર સુમરાસર શેખની આ મંડળી છેલ્લા વર્ષોથી શરૂઆત થઈ છે અને આજ સુધી 50 કરોડ રૂપિયાથી વધારે દૂધ અહીંથી ભરવામાં આવ્યું છે રૂપિયાનો, અને સાથે સાથે 3.25 કરોડ રૂપિયા બોનસ બધા જ પશુપાલકોને મળી છે અત્યાર સુધી। એટલે ખૂબ મોટી રકમ કહેવાય। આપણા દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ કે હંમેશા સહકારથી જે સમૃદ્ધિની વાત કરતા હોય, આજે કચ્છ જિલ્લાની અંદર જેનું પરિણામ આજે આપણને જોવા મળી રહ્યું છે। સાથે સાથે આ વિસ્તારમાં ચારે ગામ સુમરાસર, કુનરિયા, ઢોરી અને લોરિયાની અંદર જે આપણા પડતર કુવા અને બોર છે। गुजरात के सिद्धपुर में खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति में राज्य के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की अध्यक्षता में एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन अंतर्गत पेड़ पौधों का वितरण किया गया। 1000 पेड़ पौधों के साथ टी गार्ड का वितरण कर सभी को पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। केक वृक्ष माँ के नाम एने केवी रीते आगे वधारी शकाय ए प्रकारनी व्यवस्था સિદ્ધપુર માર્કેટયાર્ડે કરી છે। આજે 1000થી વધારે પાંજરા બનાવ્યા છે, અંદાજે એની કિંમત 1000 રૂપિયાની આસપાસ છે। એ 1000 પાંજરાઓ દરેક ગામ દીઠ બધાને પ્રાપ્ત થાય અને દરેક લોકો ઝાડ વવાય અને ઝાડ જોઈને બીજા બધા ઝાડ પણ એમાં લોકોને પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા માર્કેટયાર્ડનો જે થઈ છે એ પૂર્ણ કરવાનો આજે કાર્યક્રમ હતો। લોકો ઉત્સાહભેર આ કાર્યક્રમમાં આવ્યા છે અને એમણે સંકલ્પ કર્યો છે કે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જે સંકલ્પ કર્યો છે એને અમે સાકાર કરીશું। જે રીતે ગુજરાતમાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ 2004થી નક્કી કર્યું છે અને જે રીતે ગુજરાતની અંદર 59 ટકાથી વધારે આપણો જે વન વિસ્તાર છે એમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, એની અંદર સહકાર આપવા આ બધા મિત્રોએ જ્યારે કીધું ત્યારે હું ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને એમને કહું છું કે તમારા ઉત્તમ કાર્યમાં અમારા બધાનો સાથ સહકાર ચોક્કસપણે રહેવાનો છે।
गुजरात के भावनगर में कानून और व्यवस्था की स्थिति कमजोर हो रही है। पुरानी रंजिश के चलते भावनगर में सरेआम दिन दहाड़े 3 लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। 19 साल के बिस्मिल्ला खान पठान पर आपसी रंजिश के चलते सरेआम जानलेवा हमला कर उसे मार दिया गया। भावनगर के बड़वा इलाके में रहने वाला ये युवक हेयर कटिंग की दुकान पर बाल कटवाने के लिए गया था, उस वक्त उस पर जानलेवा हमला किया गया। इस हत्या के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। नीलमबाग पुलिस स्टेशन ना वड़वा विस्तार में गुरुवार नो मारामारी नो एक बनाव बनेल, जेमा फरियादी युसुफ खान पठान द्वारा एक फरियाद दाखल करवामां आवेला छे, जेमा तेनो मोटो दीकरो बिस्मिल्ला खान पोताना घरे 3 वागे हता अने हूँ एहसान भाई ने त्यां वाळ कपावीने आवुं छुं तेम कही अने घरे थी बहार निकळ्या बाद थोड़ी वार बाद देकारो थता आकापना फरियादीए बारे जोयुं तो तेना दीकरा बिस्मिल्ला खान ने आकापना आरोपी अल्ताफ भोलियो अने एनको आ त्रणेय जे छे तेने लाकड़ी लोखंडनो पाइप अने छरी वडे मार मारता हता। आ बनाव बाद भोग बननारने सर्टी हॉस्पिटल में दाखल करवामां आवेला अने पुलिसे आ कामे फरियाद दाखल करेली। बादमां आजे जे बिस्मिल्ला खान भोग बननार जे हता तेनुं सारवार दरमियान मौत निपजवामां आवेल, जेथी आ कामे हत्यानो बनाव बनेल, जेथी बीएनएसनी कलम 103 मुजबनो रिपोर्ट करवामां आवशे। गुजरात की जूनागढ़ के भैंसाण में 2 दिन पहले प्रेम संबंध के चलते 2 परिवार के बीच झगड़े का मामला सामने आया था, जिसमें हुई तकरार में एक बुजुर्ग को चोट पहुंची थी। घायल बुजुर्ग की मौत हो गई है, जिसके बाद भैंसाण पुलिस ने 9 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है, जिसमें 2 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल है। અને આ લોકો દારૂ વેસે, જુગાર રમે, દીકરીઓને શાળા કરે રાખે છે, વહુને કોઈને મુકતા નથી। અને મારો ભાઈ હતો, એની દીકરી હતી, એને લઈ ગયા અને ઉપર જતા ધમકી દીધી અને ઘેરે હતા અને ઘેરે મારવા આવ્યા એમાં મારા બાપુજીનું મર્ડર કરી નાખ્યું એને। તો અમે એને વિનંતી કરી છે કે એને છે ને ફાંસીની સજા થાય, એને ફાંસીની સજા થવી જોઈએ, અમારે આનો ન્યાય જોઈએ, અમને ન્યાય આપવાનો। આજ તો અમારું કર્યું, કાલ બીજાના બાર ગામના આવીને અહીંયા રહેવા અહીં ઘરી ગયા છે અને અહીંયા બધાને હેરાન કરે છે અને ઉપર જતા ધમકી દે છે। અમારી દીકરીને લગ્યા દારૂના જુગારના ધંધા કરે છે, આજુબાજુ વાળાને છે ને હેરાન કરે છે, એટલે ધમકીઓ આપે છે અને અમને સતાય, અમારી દીકરી લઈ ગયા તો સતાય અમારી ઘરે અમને મારવા આવ્યા અને અમારા બાપુજીનું છે ને મર્ડર કરી નાખ્યું છે, અમારે ન્યાય જોઈએ અને તો સત્તાએ મને હોતન માર્યો તો કાકા લીધેલા આવે છે ને આવી બેદરકારી કરે છે અને આમ મારે છે, અમારે ન્યાય જોઈએ। ભેસાણ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ભેસાણ ટાઉનના 100 વાળિયા પ્લોટમાં રહેતા ફરિયાદી પ્રવીણભાઈ મુરજીભાઈ સોલંકી, જેમની ભત્રીજી છે, આજથી 10-12 દિવસ પહેલા આ ગુનાના આરોપી નંબર 2 લખનના ઝવેરના ડાંગર તેમના દીકરા યોગેશ સાથે ભાગી ગયેલી હોય, જે બાબતે આરોપી અને ફરિયાદી તમામ અડોશ પડોશમાં રહેતા હોય, આ બાબતનું મંદુક રાખી આ આરોપીઓ ફરિયાદી અને ફરિયાદીના પરિવાર સાથે માથાકૂટ કરવા આવેલા, ત્યારબાદ એમને ગુના બોલી ગાળો આપેલી અને વારા પરથી આવી પથ્થરો ફેંકી અને ઈજા પહોંચાડેલી। આ જ્યારે પથ્થરો ફેંકવામાં આવેલા તે સમયે ફરિયાદીના પિતા મુરજીભાઈ ગાંડાભાઈ સોલંકી, જે 70 વર્ષના હોય, તેમને ઈજા થયેલી અને સારવાર માટે છે તેમને ભેસાણ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા। ત્યાં છે ભેસાણ પોલીસ દ્વારા ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 352 એટલે કે સુલે ભંગ કરી ઉશ્કેરવાના ઈરાદાથી ઈજા પહોંચાડવામાં આવે તે બાબતનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો। ત્યારબાદ આજે મુરજીભાઈ છે તેમની તબિયત વધારે ખરાબ થતા જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ આવવામાં આવેલા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન છે તેમનું ડેથ થયેલું। આ બાબતે ભેસાણ પોલીસ દ્વારા ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 103 1
125A, 115B આ ઉપરાંત 54 અને GP1 ની કલમ 135 નો ઉમેરો કરવામાં આવેલો। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में गुरु पूर्णिमा के मौके पर पिछले 7 वर्षों से वडोदरा के नृत्य शिक्षकों द्वारा प्रतिबिंब नामक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष भी गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने के लिए अकोटा के सर सयाजीराव नगर गृह में क्लासिकल डांस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुरु शिष्याओं ने परफॉर्म करते हुए अद्भुत माहौल बनाया, जिसमें मैथिली देसाई, नीलम पाठक, दीपा दवे, जितिक्षा उपाध्याय, मानसी आचार्य पटेल, देवश्री जोशी, मेघना पटेल, ऐशा विपुल राजपूत, चार्मी शाह और किन्नरी अस्ती के 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने खूबसूरत प्रस्तुतियां दी। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को छोटे छोटे बच्चों में भी प्रचारित करने के लिए यह सभी शिक्षक सालों से प्रयासरत हैं और हर वर्ष प्रतिबिंब जैसे आयोजन के जरिए शास्त्रीय नृत्य सीखने वाले छात्रों को स्टेज भी देते हैं। इसी के तहत प्रतिबिंब का आयोजन किया गया। आज का कार्यक्रम है प्रतिबिंब, गुरु पूर्णिमा के अवसर को का सेलिब्रेशन करने के लिए आज का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। बड़ोड़ा में लास्ट 6 साल से हम ये कर रही है, 7वां साल है और बड़ोड़ा के 10 नृत्य गुरु इकट्ठा होके हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं मैथिली देसाई, मेरे साथ नीलम पाठक, दीपा दवे, देवश्री जोशी, मेघना पटेल, चार्मी शाह, ऐशा राजपूत, किन्नरी अस्ती, जितिक्षा उपाध्याय, मानसी आचार्य पटेल, ऐसे सब गुरु मिला के इकट्ठे होके हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे बच्चों में गुरु की इम्पोर्टेंस उजागर हो, इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रतिबिंब मतलब जो गुरु का जो शेडो है, मतलब गुरु का प्रतिबिंब शिष्य में दिखाई देता है, यही थीम लेके, यही आइडिया लेके हम लोग 6 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि हमारी संस्कृति की धरोहर जो शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में आज की जनरेशन को पता चले, उसकी वैल्यूज पता चले और उसको लेके उसके साथ साथ गुरु और शिष्य, स्टूडेंट्स और टीचर्स के अंदर कैसा संबंध होना चाहिए वो हम लोग उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के अमरेली के जिनथुड़ी गांव में बारिश के साथ ही सेफ्टी दीवार धराशायी होने से ग्रामजनों ने दीवार निर्माण पर सवाल उठाए हैं। यहां लोढ़ीधार सड़क पर ब्रिज का काम चल रहा है, जहां कम गुणवत्ता वाले मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा होने का आरोप ग्रामजनों ने लगाया है। 7 दिन पहले ही यहाँ ब्रिज के लिए बनाई गई सेफ्टी दीवार बारिश में धराशायी हो गई है। साइड की दीवारों को इतना कमजोर बनाया गया है कि दीवार से प्लास्टर गिर रहा है। इस खस्ता हाल ब्रिज निर्माण की जांच जरूरी है, वरना आने वाले दिनों में बड़ा हादसा हो सकता है। अत्यारे जरा पत्थर लियो हो ग्राम नो तो पत्थर दीवार में मारो ने तो नीचे आवे बधु, અને પેલા વરસાદ હતો બધું તૂટી ફૂટી લુણીદારના પાદરમાં પૂજી ગયો સામાન, વિચાર કરી લો તમે આ બાંધકામ કેવું કરેલું છે, કોઈ કહેવા વાળું નથી, કોઈ જોવા વાળું નથી, વીડિયા વાળાને બોલાવી તો એ માંડ માંડ આવી ગયા, એટલે અમે આ બહાર જાહેર કર્યું, નકર તો આમાં કોઈ આવે એમ જ નહોતું। મારો કાયમનો રસ્તો છે, બરાબર, કાયમ હું અવર જવર કરું છું અને બીજા નંબરમાં આ પુલનું કામ ચાલુ થયું, આજ લગભગ 1.5 થી 2 મહિના થયા, હું કાયમ જોઉં છું, કાયમ કામ નબળું જ છે,
અને કામમાં ઢીલાશપણું બહુ છે. હજી નદી નથી આવી તો પુલ તૂટી ગયો છે, અને આ કામમાં એટલી બેદરકારી થાય છે કાયમ અમે જોઈએ છીએ. એક દિવસ કામ ચાલુ હોય ત્રણ દિવસ બંધ હોય. બીજા નંબરમાં કે આ કામમાં ગમે ને તમે જોઈ લો, હજી તો અઠવા 5-7 દિવસ થયા છે ભર્યું એને, તાપ પડી ગયું છે. गुजरात के वडोदरा में पर्यावरण संरक्षण पर कम्युनिटी साइंस सेंटर द्वारा लगातार विभिन्न गतिविधियां की जाती है. इसी के तहत नेट जीरो बाय 2050 पर पॉपुलर टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बीजी देसाई ने उपस्थित रहकर आने वाले सालों में पृथ्वी पर नेट जीरो करने पर मार्गदर्शन दिया. ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है, बड़ी जगह टेम्परेचर बढ़ गया है, तो एने केवी रीते ઓછો કરવો એ મુખ્ય વસ્તુ. નેટ ઝીરોનો અર્થ આ છે કે આપણે એને ઓછા, ટોટલી તો બનતો નહીં થાય, પણ એને કેવી રીતે ઘટાડવા એ ઈચ્છે છે. એ ઘટાડવાના માટે પહેલાંમાં પહેલું કામ તો સોલર ને વિન્ડ એનર્જીનું છે, પછી બીજું એનર્જી એફિશિયન્સીનું છે કે જેટલું આપણે વધારે સારી રીતે વાપરી શકીએ એ છે, અને ત્રીજું આપણી થોડી સોશિયલ હેબિટ્સને બદલવી પડે. અત્યારે આપણે જે બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્હીકલ્સ વાપરીએ છીએ એને બદલે તમારે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ પર ધ્યાન આપવું પડે. એ રીતે આપણે જે ખાવાની હેબિટ્સ છે એમાં વેજીટેરિયન અને નોન વેજીટેરિયન ડાયટમાં બહુ ફરક છે. નોન વેજીટેરિયન ડાયટ બહુ રિસોર્સિસ વાપરે છે, વેજીટેરિયન ડાયટમાં બહુ, તો આવા બધા આપણે ઘણા પહેલાં બદલવા પડે. तो उन्हें के सजाव पे ये, क्योंकि अभी एक सबको एक प्रश्न होता है साइंस अवेयरनेस में जो भी लोग हैं उनको, कि भाई हम एनर्जी को लेके क्या कर रहे हैं और हम लोग हमारे रिसोर्सेज कब तक यूज कर सकते हैं. पेट्रोलियम है या गैस है हमारा, या जो भी कोल है या जो भी खदान में से निकलता है हमारे, ये सारे रिसोर्सेज कभी तो खत्म होने वाले हैं. और अभी जाके धीरे धीरे उसका ग्लोबल वार्मिंग के असर देखने को मिल रहा है. हमारा जो लाइफस्टाइल है उसी का भी, उसके में बढ़ोतरी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस वगैरह ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता है, तो उसके चलते पूरे क्लाइमेट चेंज वगैरह की जो असर है देखने को मिलती है. और ये सारा हमको धीरे धीरे कन्फाइंड, मतलब कम करना है. इंटरनेशनली ये एग्रीमेंट भी हुआ है कि धीरे धीरे हमको गोल दिए गए कि भाई 2030 तक हम लोग 50% कम करेंगे अभी जो यूज कर रहे हैं सारे रिसोर्सेस, तब जाके कहीं पे टेम्परेचर को हम लोग कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे. ये तो वैसे बांध छूट गया है, ये थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम की बात है अभी. जो हमसे हो सकता है हम लोग उतने ज्यादा से ज्यादा हमारे लाइफस्टाइल को बदले, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को अपनाए और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग जाए, ना कि हम लोग रूटीन जो कोलसा बंद करके, कोयला बंद करके, जो खदानों में से कोयला निकाल के जो काम करें वो हमको थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा. तो एक इंटरनेशनली एक ऐसा कंसेप्ट पूरे दुनिया में चल रहा है कि 2050 तक जो है हमको हमारा जो भी जितना भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको सारा का सारा ट्रैप कर सके, ऐसी सिस्टम खड़ी करनी पड़ेगी. हमारा जो एनर्जी यूज होगा, यूसेज होगा, और जो रिलीज करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस उतने ही हम लोग एब्जॉर्ब भी कर सकेंगे, उस कैपेसिटी में आना है. सो जीरो कार्बन जो पॉलिसी लानी है या जो भी ये जो बातें हैं उसमें कितनी सारी आधुनिक टेक्निक है, रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेस है, तो ये सारी बातें हमको आज सीखने को मिलेगी इस टॉक के जरिए. VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, JioTV, JioTV के 498 नंबर के चैनल पर VNM TV 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM TV. न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.